सोनिया एक बात तो बता बेटा, कब सुना रही है तो गुड न्यूज? मुझसे बहस मत कर प्रियंका, पूरा एक साल हो गया शादी को, वो अंग नहीं क्या जहाँ नन्हे पैर ना दौड़े? ये जो रोज की झिकझिक चल रही है ना तेरी और दामाद जी के बीच, इसका बस एक ही इलाज है, बच्चा कर ले सब ठीक हो जाएगा। अमीर हो या गरीब, एक बार किसी लड़की की शादी क्या हो गई, पूरे समाज को खुशखबरी सुनने की जल्दी होती है। लड़की को या जोड़े को, बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, इस बारे में सोचना तक गलत समझा जाता है समाज में। और जिनको बच्चा नहीं होता, उनका दर्द वही समझ सकते हैं जो उसे भुगतते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, बस एक ही चिंता थी कि सब कुछ सही ही चलता रहे। मेरी पत्नी गीता का 8वां महीना चल रहा है, पूरी तैयारियां की गई हैं ताकि कहीं कुछ भी गलत ना हो। कुछ गलत ना हो इसलिए पहले से ही रास्ते की सारी अड़चनें अलग कर दी गई हैं। विशाल, सब कुछ ठीक ठाक है, गीता और उसका बच्चा, तुम्हारा बच्चा एकदम सही है, गीता का सब कुछ अच्छा जा रहा है। बहुत खुशी हो रही है सुन के मैडम जी। वो वैद्य जी जैसे जैसे बोलती हैं मैं और गीता बिल्कुल वैसा वैसा ही करते हैं। उसका नतीजा तो दिख रहा है, जुलाई के तीसरे हफ्ते में 22 या 23 तारीख तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। बच्चे को पेट काट के निकालेंगे क्या? अरे नहीं, सब कुछ ऐसे ही ठीक रहा तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। क्या वो गीता बहुत परेशान लग रही हो? नहीं तो नहीं लग रही, इसलिए पूछ रहा हूँ। विशाल, तुम परेशान रहते हो ना तो तुम्हें लगता है कि सब परेशान है। मैं परेशान नहीं रहता हूँ गीता, फिक्र करता हूँ तुम्हारी। ए गीता, तू ठीक से रह लेगी ना मायके में? तुम भी ना विशाल, बस 2 मिनट की दूरी पर है माँ का घर, तुम इतनी फिक्र मत किया करो। तुम फिक्र करते हो तो मुझे भी फिक्र होने लगती है, और ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। माँ, माँ। हाँ बेटा। माँ मुझे लग रहा है टाइम आ गया, अस्पताल जाना होगा। हाँ हाँ हाँ, चलते हैं अस्पताल। हाँ हाँ, मैं निकल चुका हूँ। हाँ एक मिनट, अगर रुकिए, मैं कह रहा हूँ उसको रिक्शा वाले को बोलना थोड़ा आराम से चलाएगा। मुबारक हो विशाल, एकदम तंदुरुस्त बेटा हुआ है, और जैसे मैंने कहा था नॉर्मल डिलीवरी हुई है। हेलो वैद्य जी, लड़का हुआ है, बहुत ही तंदुरुस्त है, और गीता भी एकदम ठीक है। बधाई हो विशाल, बड़ी खुशी हुई सुनकर। हाँ हाँ, मेरी यहाँ की ड्यूटी अभी अभी खत्म हुई है। अरे मेरा राजा बेटा, कैसा है तू? तुम कैसी हो? वैद्य जी, आपके बहुत उपकार हैं हम पर। क्या, कैसे उपकार? अब हमारे इस राजा बेटी की देखभाल जो शुरू करनी है, अरे सबसे बड़ा काम तो अब शुरू होता है। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन ये सही दिशा किसके लिए सही थी, इसकी अभी किसी को भनक तक नहीं थी। चावल दे रहे पाव के।
ये लो चॉकलेट। मुझे भी ली। मुझे भी चाहिए। अरे कम ऑन। हाँ चॉकलेट नहीं किया तुम्हारे, लो चॉकलेट। अंदर आ। नहीं नहीं माँ, अभी मैं जल्दी में हूँ, इसको ना पोलियो की दवाई पिलवा के लाना। अच्छा। सासू माँ भी बाजार गई भाजी लेने के लिए, तो तुम्हें बोल के जा रही हूँ, ठीक है? अच्छा। वो मैंने उसकी कुंडी भी लगा दी दरवाजे की। अच्छा सुन, दवाई पिला के सीधा यहीं आना। ये दामाद जी इतनी जल्दी ले गए दोनों को, लाड दिलाने का मौका नहीं। ठीक है ठीक है माँ, मैं दवाई पिलवा के लाती हूँ। हाँ हाँ, ओ बेटा, ओ राजा बेटा। क्या हो गया? अरे विशाल, तेरी माँ और गीता की माँ दोनों सुबह से सोनू और गीता को ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे मतलब? अरे गीता सुबह सुबह सोनू को लेकर बाहर चली गई, अभी तक घर नहीं लौटी, पता नहीं कहाँ चली गई। घर नहीं है तो कहाँ गई? पोलियो की दवा इस तरफ। गीता भाभी ने कुछ बताया कहाँ डेरा लगा हुआ है? नहीं ना रामचरण, यही तो उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया। नहीं तो आज तो यहाँ कोई पोलियो अभियान नहीं चल रहा है, फिर कहाँ चल रहा है आपको कुछ पता है? मुझे नहीं पता, अब सरकारी हॉस्पिटल में पता कीजिए। गीता बस इतना बोली कि वो सोनू को पोलियो की दवाई पिलाने ले जा रही है और कुछ भी नहीं कहा, और मैंने भी नहीं पूछा। मुझे लगा आपको कुछ कहा होगा दामाद जी, आपको कहा होगा यशोदा बेन। गीता तो हमको कुछ नहीं बताई, हम तो सब्जी खरीदने गए थे। अरे लेकिन गीता अकेले गई कहाँ और वो भी सोनू को लेके? अरे भाई लगभग हर जगह पूछ लिया है, और ये सरकारी अस्पताल सारे चिकित्सा केंद्र, लेकिन कहीं भी पोलियो की दवा नहीं पिलाई जा रही है। अजीब बात है, फिर गीता ऐसा क्यों बोली कि वो पोलियो की दवा पिलाने जा रही है सोनू को? नहीं यशोदा, हमने गीता को आपके घर से निकलते हुए नहीं देखा, और उसे कोई बुलाने आया हो ऐसे भी ध्यान में नहीं आया। हाँ धो गई, जब हम घर में नहीं थे तो ऐसे कैसे चली गई, वो भी बाहर कुंडी लगा के। पोलियो की दवा आज ऐसे कैसे? वैसे तुम बोल कहाँ से रहे हो विशाल? वैद्य जी मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, गीता सोनू को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अपनी माँ को बोली कि पोलियो की दवा पिलाने जा रही है। लेकिन आज तो गुरुवार है, और पोलियो के कैंप्स गुरुवार को नहीं लगते, सिर्फ रविवार को लगते। गीता की माँ ने कुछ गलत सुना होगा, गीता सोनू को लेकर कहीं और गई होगी। बेलगाम के सभी अस्पताल के एक्सीडेंट केसेस चेक करो। सुबह 11 बजे निकली थी गीता मौर्य अपने बच्चे के साथ, और अब शाम हो गई है, कोई खबर नहीं है उसकी। शहर के सभी छोटे बड़े प्राइवेट क्लिनिक्स खंगालो जहाँ पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, और अगर क्लिनिक्स बंद हो तो डॉक्टर या कोऑर्डिनेटर को फोन करो। हम 2 मिनट में माँ और बच्चे का फोटोग्राफ फ्लैश करेंगे। विशाल रुको, मेरे पास इससे भी अच्छी वाली फोटो है, ये वाली। शरद ये फोटो अपने फोन में ट्रांसफर करो, प्रिंटआउट्स निकलवाओ और सभी चैट ग्रुप में शेयर करो। हाँ सर। गीता अपना फोन साथ नहीं ले गई थी? नहीं साहब, गीता के पास मोबाइल नहीं है। कब से नहीं है? शादी के पहले से नहीं है साहब, मतलब कभी था ही नहीं फोन गीता के पास। लेकिन अजीब बात यह है सर कि गीता अपनी माँ से कह के गई थी कि वो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने जा रही है, लेकिन पोलियो के कैंप्स तो सिर्फ रविवार को लगते हैं, बाकी दिनों में नहीं। सर अब तक जितने भी अस्पताल स्कैन किए वहाँ कोई भी एक्सीडेंट का केस माँ और बच्चे से मैच नहीं करता है, लेकिन गीता अपने बच्चे को लेकर कौन सी दिशा में गई या फिर कहाँ से लौट रही थी, अगर ये भी पता चल सके तो काफ़ी मदद मिल सकती है। अरे लेकिन गीता ने अपनी माँ से कुछ बोला ही नहीं। साहब मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, गीता ऐसे कैसे कर सकती है? वो घर से अकेले कभी बाहर गई ही नहीं, मतलब जब भी सोनू पैदा नहीं हुआ था उसके पहले भी अकेले घर से बाहर नहीं गई, और हमारे बच्चे के साथ तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। साहब पुलिस बोल रही हर जगह खोजेगी, सारे इलाकों में। जब मैं सब्जी लेने जा रही थी तो गीता ने एक शब्द नहीं बोला, फिर ऐसे कैसे चली गई? अरे मेरे लौटने तक रोक नहीं सकती थी क्या? नीरजा गीता सोनू को लेकर अकेले जा रही थी तो तुम्हें जाना चाहिए था ना उसके साथ। मुझे क्या पता वो अकेले जा रही थी, मुझे लगा वो वैदेही के साथ जा रही है, क्योंकि बाकी सब जगह भी तो वो उसी के साथ जाती है। गीता ने आपको बोला वो वैदेही जी के साथ जा रही है? नहीं मुझे नहीं बोला उसने कि वो वैदेही के साथ जा रही है, पर मुझे लगा कि वो उसके साथ जा रही है।
बाकी सब जगह भी तो उसी के साथ जाती है ना। वैदेही जी, विशाल, मेरी गीता आपके बिना कहीं जा ही नहीं सकती। मैं आज तो तुम्हारे घर गई ही नहीं। अरे तो गीता किसके साथ गई फिर? कई बार तो मैं भी सोच रही हूँ। मेरी गीता आपकी हर बात मानती थी, आपको मालूम होना चाहिए ना कहाँ गई वो। मेरी हर बात मानने के लिए मुझे उसके साथ तो होना चाहिए था, मैं दिन भर अपने क्लिनिक पे थी। और विशाल, तुम अपनी जिम्मेदारी मुझ पर कैसे डाल सकते हो? सर, गीता मौर्य और उसके बच्चे सोनू की फोटोग्राफ हर जगह शेयर की, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं। मुकुंद नगर में रहते हैं ना ये लोग? हाँ सर। कोई सीसीटीवी? सर लो लाएंगे लाकर, 5-6 दुकानें हैं छोटी मोटी, लेकिन कहीं कोई सीसीटीवी नहीं है। ये जो गीता का बच्चा है, ये सिर्फ 29 दिन का है ना? हाँ सर। सर, गीता का पति विशाल, वो कह रहा है कि एक वैदेही नाम की लेडी है और गीता इस वैदेही के बगैर कहीं नहीं जा सकती। वैदेही? ये तो वही औरत है जिसने कल रात हमें गीता और बच्चे की तस्वीरें दी थी। जी सर, वही है। साहब, मेरी गीता वैदेही जी को अपने गुरु जैसा मानती है, मतलब वो जैसा जैसा बोलती है गीता बिल्कुल वैसा वैसा ही करती है। उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कसरत, सब कुछ, जब वो पेट से थी तब से। साहब, ये वैदेही तुम्हारी रिश्तेदार है? नहीं साहब, आंगनवाड़ी सेविका है। जब भी गीता पेट से थी तभी उसको सब कुछ सिखाने के लिए आई थी। वो खुद से आई थी? हाँ साहब। सर, उठाऊं क्या इस वैदेही को? विशाल, आंगनवाड़ी सेविका वैदेही पर तुम्हें कोई शक है? मुझे नहीं पता साहब, शक करना है कि नहीं करना है, लेकिन इतना पक्का पता है कि मेरी गीता सोनू को लेकर अकेले घर से बाहर जा ही नहीं सकती। देख तो जरा, विशाल मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा है। हाँ, सीधी उंगली तुम पर उठी है वैदेही। विशाल का माता फिर गया है क्या? ये बताओ तुम रहती कहाँ हो? मैं मनीबाग। क्यों, इस वक्त घर पर हो? मैडम बात क्या है बताइए तो। तुरंत धर्मपुर थाने में आकर मिलो। मैं अभी क्लिनिक में हूँ, एक डिलीवरी है, उसके बाद आती हूँ। कौन से क्लिनिक में? भाग्यलक्ष्मी मैटरनिटी होम। इस भाग्यलक्ष्मी मैटरनिटी होम में तुम फुल टाइम हो? हफ्ते के 6 दिन और 12 घंटे की ड्यूटी है मेरी सर। और सरकार से भी तनख्वाह लेती हो आंगनवाड़ी सेविका बनकर? क्या, मैं कोई आंगनवाड़ी की सेविका नहीं हूँ सर। फिर विशाल क्यों कह रहा था कि तुम आंगनवाड़ी सेविका हो? ये आप उसी से पूछ लीजिए। और वैसे मैं बता रही हूँ कि वो बावला हो गया, कुछ भी बके जा रहा है। कल भी मेरे घर आया था, मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा था, और आज ये आंगनवाड़ी वाली बकवास। ये देखिए सर, मैं इस मैटरनिटी होम में फुल टाइम ड्यूटी करती हूँ, तो मैं विशाल से ये क्यों कहूँगी कि मैं आंगनवाड़ी की सेविका हूँ? क्योंकि तुम हो आंगनवाड़ी सेविका, तभी तो 6 महीने पहले आई थी मेरे घर में गीता को सब कुछ सिखाने के लिए। उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, कैसे बैठना है कैसे उठना है, सब कुछ तो सिखाया उसे। अभी साहब के सामने झूठ क्यों बोल रही हो? अरे विशाल, ये सब कुछ मैंने करवाया, लेकिन मैंने ये कब बोला कि मैं आंगनवाड़ी की सेविका हूं? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सर, मैं कुछ 6 महीना पहले मिली थी गीता से सब्जी मंडी में। आपको कैसे पता चला? 3रा महीना चल रहा है ना? हाँ। ये तुम्हारा पहला बच्चा है? हाँ, लेकिन आप कौन है? ऐसे ही इत्तेफाक से सब्जी मंडी में मुलाकात हुई थी गीता से। मैंने तब गीता को बताया था कि मैं भाग्यलक्ष्मी मैटरनिटी होम में काम करती हूँ और बच्चों की डिलीवरी में डॉक्टर्स को असिस्ट करती हूँ। तब गीता ने सामने से मुझे पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने बोला हाँ, यही तो मेरा काम है। फिर मैं इनके घर जाने लगी, उसको व्यायाम सिखाने के लिए, खाने पीने के बारे में बताने के लिए, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं आंगनवाड़ी की सेविका हूँ। साहब, गीता ने खुद मुझे बोला कि आंगनवाड़ी सेविका है। गीता मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती साहब। ये जो लाल में है ना, ये सारी चीजें अब से नहीं खानी है तुम्हें। और ये जो हरे में है, अपने पति से कहो बराबर लाकर तुम्हें खिलाता रहे। ये सारी चीजें हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आ गए आप? विशाल, ये वैदेही जी हैं। वैदेही जी, ये मेरे पति विशाल। नमस्ते। नमस्कार। वैदेही जी ना आंगनवाड़ी सेविका है, वो कई सारे बच्चों को इस दुनिया में लाई है, उन्हें इन सारी बातों की बहुत अच्छी जानकारी है। अच्छा है ना, तुमको भी सहारा रहेगा। और वो जो चीज़ें हरे रंग में लिखी हुई है ना, वो मैं कल से लाना शुरू करता हूँ। और माँ,
जो लाल रंग वाली चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को बच्चा आने से पहले तक घर में नहीं बनाना है, ठीक है? साहब मेरे घर में सबको पता है ये आंगनवाड़ी सेविका है, तभी तो ये गीता के लिए वहाँ से बहुत सारे सामान लेके आती थी, वो भी फ्री में। गलत, मैं दोस्ती में लाती थी, कभी अपने क्लिनिक से, कभी खुद के पैसों से, क्योंकि तब तक गीता मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी और मैं उसके लिए जो जो करती उसके लिए ये उसके घर वाले मेरी बहुत तारीफ करते थे। सर मैं बहुत सालों से ये काम कर रही हूँ, गीता को मेरी मदद चाहिए थी तो मैंने कर दी बस। साहब एक हफ्ता पहले की बात है, गीता ने मुझे बोला कि सरकार की कोई योजना है जिसमें हम जैसे गरीब लोगों के लिए बच्चा पैदा होने के बाद उसको उसकी देखभाल के लिए सरकारी भत्ता मिलता है। मैंने उससे पूछा तुझे किसने बोला, उसने बोला इन्होंने बोला उसका। कौन है राजकुमार, कौन पता है? सोनू की फिक्र ना सिर्फ हम दोनों को नहीं है, सरकार को भी है। क्या मतलब? वैदी जी बता रही थी कि हमारे जैसे घरों में पैदा हुए बच्चों को ना सरकारी मदद मिलती है। अच्छा मतलब पैसा से देगी क्या? हाँ वैदी जी कह रही थी कि वो ऐसी मदद हमें भी दिलाएगी। वैदी जी कितने अच्छे हो रहे थे ना, मतलब वो बताते थे तुमको पता भी नहीं चलता। तुम्हारी पत्नी ने तुमसे झूठ बोला है, क्यों बोला है मुझे नहीं पता। नहीं हाँ मैंने गीता से कभी बोला ही नहीं किसी सरकारी मदद के बारे में। गीता ये अच्छी तरह जानती है कि मैं मैटरनिटी होम में काम करती हूँ, इसीलिए तो मैं उसकी मदद कर रही थी, और मैं गीता से झूठ क्यों बोलूंगी? और ऐसे गीता और सोनू को गायब करके मुझे क्या मिलेगा? 28-29 दिन का बच्चा है लालू, लड़का है, साथ में माँ भी गायब है। साहब अगर बच्चे को भिखारी गिरोह ने गायब किया है तो माँ को क्यों उठाएंगे, और अगर माँ को वेश्या गैंग ने उठाया है तो बच्चे के साथ क्या करेंगे? ऊपर से लड़का है, मेरे को तो चांस लग रहा है कुछ तो डेंजर हुआ है माँ या तो बच्चे के साथ। अगर बच्चे को उठाने आए थे तो माँ चिल्लाई होगी, हो सकता है माँ को जख्मी करके बच्चा छीन ले गए। कब से ढूंढ रही हो तुम्हें वैदेही? अर्चना मैडम क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं वो बस दुनिया ही अजीब है। बताना हुआ क्या है? मैडम वो एक माँ और उसका बच्चा गायब है, मतलब मैं जानती हूँ उनको, लेकिन उसका पति अब बहुत अजीब अजीब बातें करने लगा है। पता नहीं गीता ने भी ऐसा, मतलब उस माँ ने ऐसा क्यों किया? सर मुझे लगता है हमें इस वैदेही की तहकीकात करनी चाहिए, उसके पास्ट प्रेजेंट उसका घर उसके काम करने की जगह इन सब का फुल चेकअप करना चाहिए। सर मुझे ये बात खटक रही है कि गीता पोलियो की दवाई का झूठा बहाना करके घर से क्यों जाएगी, जबकि कोई पोलियो का कैंप भी नहीं लगा था, और अगर वो किसी सरकारी अस्पताल या फिर किसी क्लिनिक में गई भी थी तो किसी ने तो गीता और सोनू को देखा होना चाहिए था। हमने आसपास के सभी सरकारी अस्पताल क्लिनिक हर जगह पर चेक किया लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिला। मानसी तुम वैदेही के अड़ोस पड़ोस में पूछताछ करो, राव गीता और विशाल की भी बैकग्राउंड निकालो, अब तक हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि ये घर के अंदर का ही मामला हो। ये वैदेही झूठ बोल रही है, हमारी गीता क्यों झूठ बोलेगी? शायद गीता को गलतफहमी हुई हो, गलत सुना हो उसने। अरे लेकिन इतना सब सुनने में गलती कैसे हो सकती है? वो खुराक क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और गीता ने खुद मुझे बोला था, वो वैदेही ने उसे बोला है वो सरकारी भत्ते वाली बात, वैदेही उससे भी मुकर रही है, हर बात से वैदेही मुकर रही है। सुनो तुम वैदेही घोरपड़े को जानती हो? जी मेरे पड़ोस में ही रहती है। क्या नाम है तुम्हारा? कविता हेगड़े। लेकिन आप वैदेही जी के बारे में क्यों पूछ रही हैं? कब से जानती हो वैदेही को? करीब 3 साल से, जब से वो यहाँ रहने आई है। ये वैदेही यहाँ किसी आंगनवाड़ी में सर्विस करती है? वैदेही जी किसी भाग्यलक्ष्मी मैटरनिटी होम में काम करती थी। यहाँ अकेले रहती है वैदेही? जी। 3 साल पहले कहाँ से आई थी? वो तो पता नहीं मैडम, लेकिन इतनी पूछताछ कुछ गड़बड़ है क्या? मालूम नहीं मुकुंद नगर से एक बच्चा और उसकी माँ गायब हुए हैं। वो तो पता है मैडम, मतलब आप ये कह रही है कि वैदेही जी भी इसमें शामिल है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कविता हेगड़े, क्या वैदेही इसमें शामिल हो सकती है? इस बारे में मैं तो कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि वैदेही जी बहुत भली औरत है, हम सब उन्हें बहुत मानते हैं। जितना मैं जानती हूँ वैदेही जी गोवा मड़गांव साइड की है और शादीशुदा नहीं है। शादा था, आप वैदेही जी के मड़गांव वाले परिवार के बारे में कुछ जानती हैं, या अपने यहाँ बेलगाम में कोई रिश्तेदार वगैरह? नहीं तो ऐसा कुछ मालूम नहीं है मुझे। पर मैडम आप ऐसा क्यों पूछ रही है कि वैदेही जी आंगनवाड़ी में काम करती है या नहीं? पहले आप बताइए वो काम करती हैं या नहीं? नहीं
वो भाग्यलक्ष्मी मैटरनिटी होम में काम करती है। और ये जो वैदेही का घर है वो खुद का है या किराए का? किराए का। कुछ मिला आपको? क्या लगता है आप लोगों को कि मैंने गीता और सोनू को यहां छुपा के रखा है? और आपका आगे का प्लान क्या है कि मुझे जो मार पीट कर मुझसे कबूल करवाओगे? आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं है मेरे लिए गीता और सोनू क्या मायने रखते हैं। आप लोगों ने मेरे मैटरनिटी होम में फोन किया था ना, कुछ मिला मेरे खिलाफ? मैं समझ गई, वो कोई औरत और बच्चा मिसिंग है, उस सिलसिले में आप लोग वैदेही के पीछे पड़े हुए हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया डॉक्टर अर्चना। मुझे इंक्लूड करके इस क्लिनिक में 4 कंसल्टिंग डॉक्टर हैं। आप अपना सवाल किसी से भी पूछिए, हर किसी का एक ही जवाब होगा कि वैदेही जैसे असिस्टेंट पूरे बेलगांव में नहीं मिल सकती। हर कोई चाहता है कि डिलीवरी के टाइम पर वैदेही उन्हें असिस्ट करे। इसमें वैदेही का हाथ हो ऐसा कुछ सामने तो नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि प्रेगनेंसी के दौरान काफी मदद की थी वैदेही ने गीता की। सर, गीता के पड़ोसी से अब तक जितनी जानकारी मिली है उससे नहीं लगता कि उसका कोई अफेयर वगैरह होगा, और डिलीवरी के 4 हफ्ते बाद कहीं भाग जाना मुमकिन नहीं लगता। सर सर हो ना हो ये मामला इस बच्चे सोनू की पैदाइश से जुड़ा हुआ है, हो सकता है विशाल ने बीवी बच्चे को गायब किया हो। सर विशाल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मोटिव सामने नहीं आया जिसके चलते वो अपने बीवी और बच्चे के गायब होने का नाटक कर रहा हो। लफड़ा मतलब औरत का लफड़ा। फैक्ट्री में कोई औरत है जिसका विशाल के साथ कोई चक्कर चल रहा हो, या फैक्ट्री से बाहर कोई कभी किसी से कुछ सुना हो, या फिर विशाल ने कुछ कहा हो, कोई वेश्या वगैरह? अरे नहीं साहब, अपना विशाल तो एकदम संत आदमी है, कभी इधर उधर देखता तलक नहीं। और साहब जब से उसकी बीवी पेट से हुई है तब से डबल शिफ्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ता है वो, दिन रात काम में लगा रहता है ताकि 4 पैसे जुटा सके अपने बीवी बच्चों के लिए। साहब इस तरह का डबल गेम खेलने वाला आदमी है ही नहीं है विशाल। विशाल का किसी के साथ कोई झगड़ा, या फैक्ट्री में किसी से कोई दुश्मनी? सर विशाल के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले, कुछ भी नहीं मिला। विशाल बेदाग, गीता बेदाग, वैदेही बेदाग, पर कोई तो है जिसके दामन पर दाग लगे। 3 दिन हो गए हैं गीता और उसके बच्चे सोनू को गायब हुए, ये दोनों है कहाँ? सर ये सभी गरीब तबके के, एक दूसरे से झूठ बोलकर छुपाकर आखिर क्या साजिश रच सकते हैं? सर एक बात बार बार खटक रही है, गीता अपने बच्चे सोनू को पोलियो की दवा पिलाने उस दिन क्यों ले गई जिस दिन कोई कैंप था ही नहीं? विशाल भी कई बार कह चुका है कि गीता अकेले कहीं नहीं जाएगी, और पड़ोसियों का भी यही कहना है। अगर विशाल इस बारे में सच बोल रहा है तो क्या वो गीता के बारे में भी सच बोल रहा है कि गीता ने उससे कहा कि वैदेही आंगनबाड़ी सेविका है, या फिर गीता ने झूठ बोला विशाल से, या फिर वैदेही ने झूठ बोला गीता से, या फिर विशाल झूठ बोल रहा है हमसे गीता के बारे में? हो ना हो ये माजरा गीता और उसके बच्चे सोनू से जुड़ा। मैं जानता हूं, लेकिन तुम वहीं पर रहो और अपना ख्याल रखना, कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। मैंने यहां पर सारी तैयारियां कर ली हैं। नहीं नहीं अभी उसने हाँ नहीं कहा है, लेकिन मैं जल्दी उसे मना लूंगा, भेज दूंगा उसे। ठीक है, ठीक है ना? अरे तुम यहां की चिंता बिल्कुल मत करो। अच्छा बच्चा कैसा है? वो मेरे जैसा दिखता है क्या? हाँ क्या सोचा है नीता? कुछ नहीं सोचा है। साक्षी पूजा, तुम्हें अपने नाना घर नहीं जाना क्या? क्यों नहीं जाना है, बिल्कुल जाना है, चलते हैं ना माँ। आप भी चलोगे ना पापा? अगर मैं चलूंगा ना तो काम कौन करेगा, तुम्हारा पापा? आप तो हमेशा काम ही करते रहो माँ, हम तीनों चलते हैं। हाँ हम तीनों चलते हैं, चलो अब खाना खाओ। आखिर बात क्या है समझ में नहीं आ रही है, ऐसे क्यों जबरदस्ती मुझे और बच्चों को मायके भेज रहे हो? ऊब गया हूं तुमसे, पीछा छुड़ाना चाहता हूं तुमसे। देख के तो ऐसा ही लगता है कि पीछा छुड़ाना चाहते हो। एक काम करो, तुम चला लो टैक्सी और मैं बच्चों को लेकर चला जाता हूं बाजार। अभी भी सच नहीं बताओगे ना? ठीक है जाने दो, हम ही चले जाते हैं।
टाइम इस टाइम बाद सुबह 9:30 बजे का बता रहे हैं। सर दरअसल हमारे सीसीटीवी रूम इंचार्ज को शक हुआ, उन्होंने एक लड़की और एक बच्चे को फुट ओवर ब्रिज के सीसीटीवी में देखा। जब तक हम लोग उनके पास पहुंच पाए तब तक ये लोग गायब हो चुके थे और पूरा स्टेशन ढूंढ मारा लेकिन ये लोग कहीं मिले नहीं। 2 दिन ट्रेन वहां से होकर गुजरी थी लेकिन हम लोग दावे से नहीं कह सकते कि ये लड़की उस बच्चे को लेकर उस ट्रेन में चढ़ गई थी या स्टेशन से बाहर आ गई थी। ये लग तो विशाल और गीता के बेटे सोनू जैसा ही रहा है। हाँ सर लग तो हो ही रहा है लेकिन गीता कहीं नहीं दिख रही है और उसकी कोई खबर भी नहीं मिल रही है। ये मेरा सोनू ही है, मेरा बच्चा। ये लाल टोपी, ये तुलसी की है। ये लड़की कौन है, आप में से कोई पहचानता है इसे? नहीं मैडम, हमने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन मेरा सोनू इसके हाथ में क्यों है? मेरी गीता कहाँ है? ये तो सोनू ही है, मैं उसका चेहरा अच्छे से पहचानती हूँ। और ये लाल टोपी, ये तो मैंने दी थी गीता को। इस लड़की को पहचानती हूँ जिसने सोनू को गोद में ले रखा है? नहीं मैडम, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। कौन है ये और गीता कहाँ है? लानत है तुम लोगों पर रंगनाथन, 4 दिन से लड़की बेलगाम में थी बच्चे के साथ और तुम खबरियों को भनक तक नहीं लगी। इस लड़की की जन्म कुंडली निकाल कर दे मुझे, ये लड़की पक्का कोई सोलो ऑपरेटर नहीं, किसी गैंग की मेंबर है। सारी की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे इस लड़की की। वैदेही, जिस लड़की के पास सोनू को देखा गया हमें लगता है वो भिखारियों के गैंग से जुड़ी हो सकती है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है गीता और सोनू के लिए। अगर तुम सच बोल रही हो, विशाल सच बोल रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि गीता झूठ बोल रही थी तुम्हारे आंगनवाड़ी सेविका होने के बारे में और सोनू को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए बाहर ले जाने के बारे में। तो आखिरकार गीता झूठ क्यों बोलेगी? तुमने उसके साथ इतना वक्त बिताया है, उसे कोई दिक्कत थी? नहीं तो क्या गीता विशाल की किसी बात से नाखुश थी? कोई पहले का प्यार जो दोनों के बीच में आ रहा हो? या कभी तुमने उसकी बातों में या बर्ताव में ऐसा देखा हो कि उसने कोई प्लानिंग की हो भागने की? मेरा मतलब है, हो सकता है कि ये लड़की सोनू को बाहर ले जाने में गीता की मदद कर रही हो। ये आप क्या बोल रहे हैं? एक तो विशाल और गीता के बीच में किसी भी तरह की कोई भी अनबन मैंने कभी नहीं देखी, उल्टा ये दोनों बच्चे के आने की खबर से बहुत ही खुश थे। तुम्हारे हिसाब से गीता विशाल की किसी भी बात से नाखुश नहीं थी? जी बिल्कुल नहीं सर, वो गीता पहली बार माँ बनने जा रही थी, थोड़ा बहुत तो डर लगा ही रहता है, और ये उसका पहला बच्चा था, और पहला बच्चा बेटा ही हो ऐसा भी दबाव हो सकता है। मतलब इसके बारे में गीता ने कभी मुझसे कहा नहीं, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रही हूँ। और हुआ तो भी बेटा, और वो भी इतना सुंदर, इतना तंदुरुस्त। मैं आपको उसकी फोटो दिखाती हूँ, ये देखिए सर कितनी खुश लग रही है गीता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये विशाल और गीता के साथ क्या हो क्या रहा है। तो दीपाली है, एक नंबर की मुंहफट, चोरी भी करती है, कई दफा तो मेरी दुकान से चोरी की है, चॉकलेट और न जाने क्या क्या। इस दीपाली ने एक बच्चे को चुराया, अब यहाँ तक पहुँच गई, चॉकलेट से बच्चा तक। कहाँ रहती है दीपाली? वैसे इस जंगली का कोई एक ठिकाना तो नहीं है, लेकिन पास की बस्ती में कुसुम जी रहती है। मैं दीपाली के कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ तो रात को यहाँ सोने के लिए आती थी। ये दीपाली के हाथ में बच्चा किसका है? दीपाली ने चुराया है ये बच्चा। अरे देवा, बच्चे का नाम सोनू है और बच्चे की माँ भी गायब है, गीता मुरिया, जानती आप इन्हें? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती गीता को। हाँ लेकिन दीपाली बोल के गई थी कि वो 4-5 दिन में लौट आएगी। कहाँ गई कुछ बोली? अपने माँ बाप के घर जा रही थी कोल्हापुर।
साहब, इस दीपाली का कोल्हापुर का एड्रेस कुसुम जी को नहीं मालूम। वैसे कुसुम जी खुद हैरान है, उनके ही घर में रह रही थी। चार पांच दिन में वापस लौटेंगी कह के चली गई, लेकिन ऐसी चली गई कि अपना सब सामान लेके चली गई, एक भी चीज नहीं छोड़ी आइडेंटिटी के लिए। हो सकता है कुसुम जी से झूठ बोलकर गई हो। पूरी संभावना है साहब, एक नंबर का डामाडोल इतिहास है इस लड़की का। लड़ाई, चोरी, झगड़े, चीटर है ये लड़की। अब हम कोल्हापुर खंगालेंगे। साहब, ये छोकरी दीपाली तो मिसिंग है। हाँ पता है, मिसिंग रफीक, एक बच्चे के साथ। इसलिए तो लालू ने तुझे उसकी तस्वीर भेजी है, और तू हमारी खबर हमें सुना रहा। साहब, ये दीपाली यहाँ कोल्हापुर से ही मिसिंग है। यहाँ क्या कुरपाड़ा पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। क्या, वो कल कोल्हापुर पहुंची और कल ही उसकी किसी ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी? कौन है वो, नाम पता बोल। साहब, ये दीपाली कल से नहीं, 2 साल पहले से मिसिंग है। 2 साल पहले ही मुझे इसका फोटो मिला था यहाँ की पुलिस से। आप अकुरपाड़ा पुलिस स्टेशन फ़ोन मारिए, इस दीपाली की ABCDEFGH सारी मिल जाएगी आपको। साहब, ये दीपाली का पूरा नाम दीपाली गावड़े है, बड़े बड़े पोस्टर भी छपे थे इसके नाम के। अच्छा, और मिसिंग कंप्लेंट किसने लिखवाई थी रमेश? इस दीपाली के पति योगेश गावड़े ने जून 2014 में इसने कंप्लेंट दर्ज की थी। हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, क्या क्या नहीं किया सर, पर हाथ नहीं लगी। 2 साल पहले जब गायब हुई थी तो 17 साल की थी। हमें लगा कि जबरदस्ती शादी का कोई मामला होगा या फिर पति पत्नी में कोई अनबन हुई होगी। इसके पति योगेश गावड़े की क्वेश्चनिंग तो बनती है। ये दीपाली इतने दिनों से बेलगांव में ही रह रही थी, जरूर किसी रैकेट वैकेट में शामिल होगी, और शायद इसका पति योगेश भी। पता लगाता हूँ सर, ये योगेश गावड़े आजकल है कहाँ। साहब, इतने टाइम से दीपाली बेलगांव में थी। अच्छा, तुझे पहले से नहीं मालूम ये दीपाली बच्चे उठाने का धंधा पहले से कर रही थी, या तू भी शामिल था इन सब में? साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं साहब। देख योगेश, ये ड्रामा बंद कर। पहले वहाँ सेफ होने के लिए तूने दीपाली को मिसिंग करार दिया, ताकि पीछे से उसके साथ मिलकर यहाँ पे ये सब कुछ गोरख धंधा चला सके। और गीता के साथ क्या किया, हाँ मार डाला उसे? साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये गीता कौन है, इसको तो मैं जानता तक नहीं हूँ। और साहब, मैं आज तक कभी बेलगाम नहीं गया हूँ। क्या बोलता है साहब, 2 साल से मेरी बेटी दीपाली ने फोन तलक नहीं किया है। आप लोग ही उसे ढूंढने में लगे हुए थे ना? लगे थे, पर ढूंढा सिर्फ उनको जाता है जो सच में गायब हो। तुम्हारी दीपाली तो बेलगाम में बच्चों की तस्करी का धंधा करती थी। नहीं नहीं साहब। अरे क्या नहीं, एक 4 हफ्ते के बच्चे को लेकर फरार हुई है वो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पति और आपको उसके बारे में खबर ही ना हो। और ये नौटंकी का रायता मत फैलाना, समझी? मैं सच बोल रही हूँ साहब, पिछले 2 साल से मैंने दीपाली का चेहरा भी नहीं देखा, उसकी आवाज भी नहीं सुनी। सर, मैं बैंक में पीऊन हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। आगे बोल। सर, मुझे दीपाली से शादी ही नहीं करनी थी, बल्कि मुझे इतनी जल्दी शादी ही नहीं करनी थी, जबरदस्ती मेरे बाबा ने दीपाली से मेरी शादी करवा दी। उस वक्त भी दीपाली उल्टे सीधे काम करती थी? दीपाली तो काम तो कुछ करती ही नहीं थी, ना घर का ना बाहर का, सबके नाक में दम करके रखा था। 17 साल की थी वो, शादी करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई थी। वो सर चीज़ें चुराती थी दुकानों से, कभी टॉफ़ी, कभी बिस्किट, कभी कपड़े, जो हाथ लगा वो। और जब पकड़ी जाती थी तब मेरी इज्जत का भाजीपाला होता। बच्चे भी चुराती थी तब? 6 महीने वो मेरे साथ रही थी, तब तो नहीं चुराया था सर उसने कोई बच्चा। और जब वो मुझे छोड़ कर गई, तब मैंने ईमानदारी से पुलिस स्टेशन में जाकर उसके लापता होने की शिकायत दर्ज की थी। माजरा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गीता अपने बच्चे सोनू के साथ अपने घर से निकलती है, उसके 4 दिन के बाद बच्चा सोनू दीपाली के पास देखा जाता है। ये क्या कनेक्शन हो सकता है दीपाली का विशाल और गीता के साथ? सर, ये किसी बच्चे की चोरी का रैंडम केस नहीं लगता है, क्योंकि इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। गीता अपने बच्चे सोनू को घर से ये झूठ बोलकर निकलती है कि उसे पोलियो की खुराक पिलाने ले जा रही है, और वापस लौटती ही नहीं। 4 दिन बाद सोनू दीपाली के साथ बेलगाम स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर नजर आता है। गीता का अभी भी कोई अता पता नहीं। सर, ये विशाल बार बार यही कहे जा रहा है कि गीता कहीं अकेले नहीं जा सकती, और वैद्य ही पर उंगली उठा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि असली चोर विशाल के दिल में ही हो, उसने ही गीता और बच्चे को कहीं छुपा दिया हो? इस विशाल की थोड़ी क्लास तो बनती है। सुन, मैं निकल गया हूँ, बस स्टैंड पहुंच रहा हूँ, तू भी उधर से निकल, जब बस के निकलने का टाइम हो रहा है। रिक्शा, बस स्टैंड। ये दीपाली कौन है? अपना बच्चा सोनू दीपाली को क्यों दिया तूने? और गीता के साथ क्या किया? गीता का मर्डर कर दिया तूने? या फिर गीता का कोई चक्कर था और सोनू उसका बच्चा? शक हुआ तुझे? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और गीता तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं साहब, और सोनू तो जान है हमारी, गरीब हूँ साहब। लेकिन जब सोनू पैदा हुआ था ना, तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी मैंने।
बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया था हमने सोनू का, और इसी धूमधाम के साथ तेरी हवा निकल गई जब तुझे ये पता चला कि शायद तेरा बेटा सोनू तेरा है ही नहीं बल्कि गीता के किसी प्रेमी का है। नहीं नहीं साहब, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जब से गीता गायब हुई है मैं सोच सोच के पागल हो रहा हूँ कि क्या गीता का वाकई में किसी के साथ चक्कर वक्कर था। शादी से लेके सगाई तक, सगाई से लेके उसके गायब होने तक एक एक पल याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या गीता वाकई में मेरे साथ खुश नहीं थी, दुखी थी वो। और फिर बार बार याद आता है उसका कहना कि वैदेही आंगनवाड़ी सेविका है। फिर मेरा माथा घूम जाता है साहब, कितने इतना अजीब झूठ क्यों बोला मुझसे, मतलब और भी बहुत सारे झूठ बोले होंगे मुझसे, रहा होगा उसका कहीं चक्कर वक्कर। ढूंढ लीजिए साहब दोनों को, मुझे पूछना है गीता से कि आखिर माजरा क्या था, जानना है साहब मुझे। और एक बात मैडम, अगर वैदेही वाकई में आंगनवाड़ी सेविका नहीं है, किसी क्लिनिक में काम करती है, तो इतने दिनों में एक बार भी क्यों नहीं बोली कि बच्चे की डिलीवरी उसके क्लिनिक में कराओ। उसको बोलना चाहिए था लेकिन नहीं बोली, जबकि वो गीता को अपनी छोटी बहन से भी ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत बहुत ख्याल रखती थी साहब उसका। सर हमने भी ये बात सोची नहीं, जब वैदेही ने गीता की इतनी मदद की उसकी प्रेगनेंसी में, उसका इतना ख्याल रखा, तो गीता की डिलीवरी अपने मैटरनिटी होम में क्यों नहीं करवाई, वहाँ तो वो उसके साथ हो सकती थी डिलीवरी के टाइम। शायद प्राइवेट मैटरनिटी होम महंगा पड़ता विशाल के लिए, या फिर कोई और कारण होगा, लेकिन इतना तय है कि एक गहरी साजिश रची गई है। सर मैं वैदेही से पूछताछ करती हूँ कि उसने गीता की डिलीवरी अपने मैटरनिटी होम में क्यों नहीं करवाई, देखते हैं क्या कहती है। और तो कुछ नहीं कहा वैदेही ने, हाँ 3 दिन पहले मेरे पास आई थी और बोल रही थी कि अगस्त का जो किराया है वो रख लो और डिपॉजिट के मेरे पैसे है वो वापस दे दो, उसको घर खाली करना था। घर खाली करके वो कहाँ गई, कुछ बताया उसने? वो तो कुछ भी नहीं मालूम, वैसे उसके एग्रीमेंट में मड़गांव का पता लिखा है, शायद वो वहीं पे चली गई होगी। हमें तो वैदेही जी चली गई उसके बाद मालूम चला। हाँ हमें तो वैदेही जी से बात करने का, पूछने वूछने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आप बार बार वैदेही जी के बारे में क्यों पूछ रही है, आखिर माजरा क्या है? पहले तो हमें सिर्फ शक था, लेकिन अब लगभग यकीन हो गया है कि गीता और उसके बच्चे सोनू के गायब होने में इस वैदेही घोरपड़े का हाथ जरूर है। ये क्या कह रही हो आप, अरे वैदेही जी मतलब भगवान की बंदी है। मैंने वैदेही को समझाने की लाख कोशिश की कि हम सब तेरे साथ हैं, पर ये पूरे मामले से वो काफी डिस्टर्ब हो गई थी। डॉक्टर अर्चना एक बात समझ में नहीं आ रही, फिर वैदेही ने गीता की डिलीवरी आपके क्लिनिक में क्यों नहीं करवाई जबकि गीता काफी क्लोज थी वैदेही के? ये सारे सवाल मुझसे करने से कोई फायदा नहीं है, वैदेही मेरे लिए एक अच्छी एम्प्लॉय थी, बाकी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं और कुछ भी नहीं जानती हूँ। सर मुझे इस वैदेही के गायब होने में उसके फरार होने की बू आ रही है। तो क्या गीता भी फरार है बच्चे को लेकर, क्योंकि इतना तो पक्का है कि माँ और बच्चा साथ में नहीं है, सीरियस खतरा हो सकता है बच्चे को। सर बेलगाम से लेकर कोल्हापुर तक जितने भी भिखारियों की टोलियां हैं सभी हमारे रडार में, सोनू और गीता की फोटोग्राफ सभी को बांट दी है, अगर बच्चे की खरीद फरोख्त का कोई भी मामला हुआ तो हमें इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। भिखारी माफिया एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर राव मैं सोच रहा हूँ कि सब्जी मार्केट में वैदेही का गीता से मिलना एक महज इत्तेफाक था या फिर कोई सोची समझी साजिश थी? आपको कैसे पता चला? तीसरा महीना चल रहा है ना, और अगर ये साजिश थी तो इसका मकसद क्या हो सकता है, और अगर ये इत्तेफाक था तो क्या गीता ने वैदेही का फायदा उठाया अपने किसी मकसद के लिए? कि दीपाली किसकी टीम में, गीता की, वैदेही की, विशाल की, या फिर कोई चौथी टीम? कौन है जो अपनी साजिश को अंजाम दे रहा है इस दीपाली के जरिए? और इस राज का भेद खोलने के लिए हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो इन सबसे वाकिफ हो और इन सभी के बीच जो रिश्ता है उस रिश्ते में छुपी बारीकियों को जानता हो। राज का भेद खोलने वाला ऐसा शख्स मिलना तो दूर, अगले 2 दिन में हमारे सामने एक और पेचीदा पहेली पेश हुई। हमारे खबरी ने दीपाली को स्पॉट कर लिया था एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर, लेकिन इससे पहले कि वो दीपाली तक पहुंचता दीपाली वहां से गायब हो गई। लालू अपने सारे बंदों को लगा दे काम पर और घुस जाओ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, पता करो कि दीपाली उस दिन कहां कहां गई थी, वो वहां पर काम करती है या किससे मिलने गई थी।
अगर किसी से मिलने गई थी तो किससे मिलने गई थी, पूरी खबर निकाल। ये दीपाली हमें इस केस में ब्रेक थ्रू दे सकती है। कोई भी गलती, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समझा? किराया देने में देरी मुझे कतई पसंद नहीं, कह देता हूँ एक दिन की देरी भी नहीं चलेगी। आप चिंता मत करिए, मैं हर महीने आकर खुद पैसे दे दिया करूँगा मंगे साहब। साहब, ये दीपाली परसों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के एक क्लिनिक में आई थी। कौन सा क्लिनिक? वो बच्चा पैदा करने वाला, जहाँ पे औरत और मर्द दोनों के बीच को लेकर डॉक्टर लोग कुछ करते हैं ना, वही। यहाँ पे आईवीएफ सेंटर करके कुछ लिखा है। आईवीएफ सेंटर? आईवीएफ सेंटर में क्या कर रही थी दीपाली? वो दीपाली भी एक कुछ एक डोनेशन के लिए आई थी। सेंटर की लिस्ट में नाम है उसका, डोनेशन के लिए पैसे भी मिले हैं उसको। ये हो क्या रहा है? सर, इस आईवीएफ सेंटर से ही पता करते। ये सिर्फ गीता और सोनू के मिसिंग होने का केस है या वहाँ कुछ और भी चल रहा है? इस केस में जो भी हो रहा था वो एक सोची समझी साजिश थी। जब हमारी तहकीकात जोर पकड़ रही थी तो उस वक्त भी वहां साथ साथ प्लान अपना आकार लेता जा रहा था, जो एक जिक्सो पजल की तरह था। एक ऐसी पहेली जिसका राज सिर्फ चंद लोग जानते थे और जो अंधेरे में थे उनमें हम भी शामिल थे। एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया जा रहा था। यह षड्यंत्र अपने आखिरी पड़ाव पर जहां पहुंचा था और हम भी ठान कर निकल पड़े थे कि इस जुर्म को होने से रोकेंगे। ये आई थी यहाँ पर दो तीन दिन पहले और उसके पहले भी। क्या मैं जान सकती हूँ कि माजरा क्या है और इतनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसने लिखी? मैम, मैंने नहीं लिखी है। डॉक्टर पारेख, इस फोटो में जो लड़की है वो दीपाली है। एक महीने का बच्चा अगवा किया गया है, मेल चाइल्ड। हमें इस बच्चे की तलाश है। इसका नाम सोनू है, इसकी माँ गीता मौर्य भी मिसिंग है। इस सब का मेरे क्लिनिक से क्या ताल्लुक है? और आप अपने जासूस भेजकर इतनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे हासिल कर सकती? हम एक संगीन जुर्म की तहकीकात कर रहे हैं डॉक्टर संजना। क्या मैं आपके आईवीएफ सेंटर के कागजात और बाकी पेपर्स देख सकती हूँ? ये सेंटर एक पूरी तरह से जायज सेंटर है। यहाँ कई डोनर्स हैं और सबके रिकॉर्ड्स हैं और यहाँ पर हर एक डोनर की पहचान खुफिया रखी जाती है, किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। दिस इज कॉन्फिडेंशियल मैटर। डोंट वरी, हम भी इसे कॉन्फिडेंशियली रखेंगे। आपके रजिस्ट्रेशन पेपर से शुरुआत करते हैं। वैसे ये वैदेही घोरपड़े इस सेंटर से जुड़ी हुई है। अब ये वैदेही घोरपड़े कौन है? एकनाथ वैदेही के रेंट एग्रीमेंट से उसके मडगांव का एड्रेस मिल गया है। अब ये एड्रेस सही है या फर्जी, ये तुम्हें पता लगाना है। अगर वैदेही वाकई हमारे मडगांव की ही है तो भले उसका एड्रेस फर्जी हो, हम उसे या फिर उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार को ढूंढ निकालेंगे। विशाल, नया जीवन फर्टिलिटी इन आईवीएफ सेंटर से क्या लेना देना तुम लोगों? क्या गीता आईवीएफ के जरिए प्रेग्नेंट हुई थी? ये क्या होता है, कैसे होता है? 3 साल से क्लिनिक चला रही हूँ और वो नीचे मेरे क्वालिफिकेशंस हैं। दिख रहा है मुझे, डोनर लिस्ट दो। मैडम, मैंने आपसे कहा ना कि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, हम डोनर्स के नाम या रेसिपिएंट्स के नाम का खुलासा नहीं कर सकते। डॉक्टर पारेख, मुझे इस दीपाली के बारे में जानकारी चाहिए। हो सकता है इसके साथ कोई और भी आता हो इस सेंटर में। अब या तो आप डोनर लिस्ट दे दीजिए या फिर आप जानकारी खुद दे दीजिए। क्या यहाँ पर कोई ऐसी औरत, कोई आदमी या फिर कोई जोड़ा आया हो जिसे बच्चा नहीं हो रहा हो, जो बहुत डेस्परेटली बच्चा चाहता हो, स्पेशली मेल चाइल्ड? मैडम, यहाँ वही आते हैं जो चाहते हुए भी नेचुरली बच्चा नहीं कर सकते। एक तरह से सभी डेस्परेट ही होते हैं। गीता मौर्य, विशाल मौर्य, ये नाम सुने हैं आपने? सॉरी, मुझे नाम याद नहीं रहते, इसलिए आपसे डोनर लिस्ट मांग रही हूँ। ऐसे लिस्ट दिखाना मेरे पेशेंट्स की प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और प्लीज, नेक्स्ट टाइम ऑफिशियल ऑर्डर लेकर ही आइएगा। नहीं, गीता मौर्या आईवीएफ के थ्रू प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। आप कभी वैदेही घोरपड़े से मिली थी डॉक्टर शालिनी? जी नहीं, लेकिन विशाल और गीता अक्सर वैदेही के बारे में बातें करते, तारीफें करते उसकी। इनफैक्ट एक बात बताना चाहूंगी, प्रेगनेंसी के 6 महीने में जब गीता के रिपोर्ट में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस शो हो रही थी,
तो इसी वैद्य ने गीता को जिस तरीके से गाइड किया था और जिस तरीके से उसने उसके कॉम्प्लिकेशंस को स्मूथली हैंडल किया था, वो सुनकर मैं भी दंग रह गई थी। चिंता करने जैसा मसला तो है जरूर, लेकिन हम चिंता करेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या चाहिए कि हमारा बच्चा तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, तो हमारा बच्चा दुनिया में स्वस्थ और तंदुरुस्त ही आएगा। बस यही एक बात हम तीनों को बार बार सोचनी चाहिए। और दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका कोई हल ना हो। मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि ये गीता ने कभी कहा हो मुझे कि ये वैदेही कहीं आंगनवाड़ी में काम करती है। थैंक यू डॉक्टर। मेरी गीता कहाँ है साहब? मेरा सोनू कहाँ है? सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? विशाल, क्यों हो रहा है ये तो इस वक्त कहना मुश्किल है, और सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है। क्या सोनू से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी बात है जो तुमने हमसे छुपाई? क्या सोनू तुम्हारा ही बेटा? अरे हाँ साहब, सोनू मेरा ही बेटा है। मैं मान ही नहीं सकता गीता मेरे साथ धोखा करेगी। और क्यों करेगी धोखा मेरे साथ? दो परिवार तितर बितर हो गए थे, एक बेटी, एक पत्नी, एक बहू, एक माँ क्यों गायब हुई थी अपने बच्चे के साथ? वो बच्चा किसी और लड़की के हाथ में क्यों और कैसे पहुंचा था? और माँ आखिर कहाँ थी? इन सवालों के जवाबों के लिए हम दीपाली गावड़े को पूरे जोरों शोरों से खोज रहे थे। दूसरी ओर आईवीएफ सेंटर से मिली डोनर लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हमारे सामने आने वाले थे जिनसे हम पहले भी रूबरू हो चुके थे, लेकिन उससे पहले मड़गांव से वैदेही घोरपड़े के अतीत से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात हमारे सामने आई। जी सर, मेरा ही नाम सुभाष सोनावण है, लेकिन मुझे वाकई नहीं पता कि उसने मेरा पता कैसे दिया वहां पर। सर, मेरा और वैदेही का तलाक होकर 6 साल बीत चुके हैं। तुम्हारी शादी हुई थी वैदेही से? हुई थी सर, लेकिन अब कोई नाता नहीं। मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि मेरा पता उसने कैसे लिख दिया बेलगांव में भाड़े के कागजात पर। अपने आई का पता लिखती थी। कहाँ रहती है वैदेही की आई? रहती थी यहीं पे मड़गांव में, बाप्तिस्ट रोड पर। लेकिन कुछ साल पहले मैंने सुना था कि वो गुजर गई। उसका बाप तो कई साल पहले ही मर गया था। वैदेही बेलगांव में कहाँ मिलेगी? मैंने कहा ना, मेरा उसका कोई नाता नहीं है। उसके जाने के बाद मैंने शादी कर ली, मेरे बीवी बच्चे, मैं खुश हूँ उनके साथ से। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि वो बेलगांव में रहती। हमें शक है कि वैदेही का एक औरत और उसके बच्चे के गायब होने में कोई हाथ है, और शायद इसीलिए वो फरार है। वैदेही मेरा अतीत है जिसके आज मुझे कोई कीमत नहीं। तलाक क्यों हुआ था तुम दोनों का? सर, ये हमारा निजी मामला है, और आप खाली मेरे पीछे क्यों पड़े हो? सर, जाके उसके पहले पति से भी पूछ लो ना। कोई तो होगा जो वैदेही के पहले पति को जानता होगा। एकनाथ, हमने काफी छाना पर ट्रेस नहीं कर पाए वैदेही के पहले पति को। एकनाथ, वैदेही के इर्द गिर्द मिस्ट्री बढ़ती जा रही है, हमें हर हाल में वैदेही को ट्रेस करना होगा। कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है वैदेही का इस केस से। सर, आईवीएफ सेंटर की क्लाइंट लिस्ट में गीता या विशाल का नाम कहीं भी फिगर आउट नहीं हुआ है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात है, इस डोनर लिस्ट में दो ऐसे नाम है जिनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। कौन से नाम? वैदेही के पड़ोसी शारदा कामत और कविता हेगड़े। सर, इस आईवीएफ सेंटर में दीपाली एक अरसे से एग्स डोनेट करती आई है। दो डोनेशंस के बीच में एक फिक्स पीरियड का गैप मेंटेन करना होता है डोनर को। दीपाली इस सेंटर की रेगुलर डोनर है। और ये कविता हेगड़े और शारदा कामत, ये दोनों भी रेगुलर डोनर्स हैं, और वैदेही के पड़ोसी भी? जी सर, वैदेही के बारे में इनसे पूछताछ भी हुई थी। मुझे इसमें किसी रैकेट की बुखार है। लेकिन मैडम, आखिर बताइए तो बात क्या है? देखिए मैडम, हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन मेहरबानी करके हमारे पतियों को इसमें मत लाइएगा। हम दीपाली गावड़े की खोज में आईवीएफ सेंटर पहुंचे थे, और हमें मिला किसका नाम? तुम दोनों का। अब देखना यह है कि यही इत्तेफाक वैदेही को हमारी तरफ लाता है या नहीं। अगर उनके नाम हमारे डोनर्स लिस्ट में है तो जाहिर है उन्होंने अपने एग्स डोनेट किए होंगे हमें, और कुछ डोनर्स पैसे डिमांड करते हैं, और उनके बड़प्पन के बदले में हम उन्हें एक टोकन अमाउंट पे करते हैं। डॉक्टर संजना, बड़प्पन का नहीं, एक बच्चे के अगवा होने का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग, जिसे दीपाली गावड़े ने चुराया, और वो जरूर किसी न किसी रैकेट का हिस्सा है, और आपके सेंटर से भी जुड़ी हुई डोनर है आपकी। तो अब आप मेरे सेंटर को किसी रैकेट से जोड़ रहे हैं? हम बस इतना जानना चाहते हैं कि वैदेही घोरपड़े का सबसे क्या ताल्लुक है, क्या चल रहा है आपके क्लिनिक में? डॉक्टर संजना, आपने जो भी मंगाया मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए जो अप टू डेट है। इसके आगे आपको कुछ भी जानना है तो कोर्ट ऑर्डर्स लेकर आइए, और फिर मैं आपको कोर्ट में ही मिलूंगी। इसके आगे आप सिर्फ मेरे वकील से ही बात करेंगे। नहीं साहब जी, हम किसी दीपाली पाली को नहीं जानते। जी मैडम जी, हमें जैसे वैदेही जी ने बताया कि डोनेशन करोगे तो पैसा मिलेगा, हम बस वैसे करते गए। और मैंने क्या, आखिर में तंगी भी होती ना बहुत साहब। हम आपकी निजी जिंदगी में कोई दखल देना नहीं चाहते,
लेकिन हमें आपकी पड़ोसन वैदेही घोरपड़े पर शक है। वो किसी रैकेट से जुड़ी हो सकती है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि वो IVF सेंटर से पहले से जुड़ी हुई थी? नहीं साहब, इन सब के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। बस एक बार बातों बातों में उन्होंने जिक्र किया था उस जगह के बारे में। जिनको बच्चा नहीं हो पाता वो ऐसे सेंटर्स को जाते हैं, और ऐसे सेंटर्स को डोनर्स की बहुत ज़रूरत रहती है। पर कुछ अजीब सा लगता है वैदेही जी। हाँ, मतलब ऐसे कैसे किसी और के अंश से किसी और को बच्चा हो सकता है? कविता, तुम्हें ये दर्द समझ नहीं आएगा जो एक औरत को, एक जोड़े को होता है जब उन्हें बच्चा नहीं हो पाता। देखो, ये IVF तरीका भगवान का दिया हुआ एक वरदान ही समझो ऐसे जोड़ों के लिए जिनको बच्चा नहीं हो पाता। कितने पैसे मिल जाते हैं इसके लिए? ऐसा कुछ तय नहीं होता। IVF सेंटर वालों को जितना बन सके वो दे देते हैं, और ये कोई व्यापार नहीं है। ऐसे काम को पैसे कमाने के नजरिए से मत देखो कविता। ऐसे करने से तुम किसी की जिंदगी संवार सकती हो, और बच्चे के सुख से बड़ा कोई और सुख है इस दुनिया में? हाँ, थोड़ा सा शुरुआत में अजीब सा लगा, पर हम जानते थे कि इसमें कुछ गलत नहीं है, तो हम आगे बराबर से जाने लगे। आपको इस काम में लाने वाली वैदेही खुद तो ये काम करती नहीं थी। डोनर लिस्ट में उसका नाम नहीं है। हम ये नहीं जानते मैडम जी, पर जैसे वैदेही जी बताती थी हम किए जा रहे थे। ये दीपाली भी वैसे ही करती थी जैसा वैदेही कहती थी? हमने कहा ना, हम ना इसे कभी मिले हैं ना इसका नाम सुना है कभी। इन दोनों पे नजर रखो अमान सी, ये दोनों भोली दिखती हैं पर जरूरी नहीं है कि हों। कोई गणित नहीं मिल रहा है, ना ये पता चल रहा है कि गीता कहाँ गई है, ना ये पता चल रहा है कि दीपाली कहाँ गई है, और ना इस बात का पता चल रहा है कि दीपाली बच्चे सोनू को लेकर कहाँ गई। सर, एक और गणित नहीं मिल रहा है। ये वैदेही ने कविता और शारदा को एग्स डोनेट करने के लिए मना तो लिया, पर खुद ने कभी एग्स डोनेट नहीं किए। IVF सेंटर का कोई भी स्टाफ वैदेही को जानता ही नहीं है। हो सकता है डोनर्स लाने का काम सेंटर ने ही वैदेही को सौंपा हो और स्टाफ को इसकी भनक तक ना हो। शायद वैदेही IVF सेंटर के साथ मिलकर कोई रैकेट चला रही थी। सर, ये विशाल भी कह रहा था कि वैदेही ने गीता को किसी सरकारी योजना के बारे में बताया था जिसमें पैसे मिलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैदेही ने विशाल और गीता को अपने साथ इस रैकेट में शामिल कर लिया हो और पैसों को लेकर कुछ अनबन हो गई हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो? सर, मडगांव से शानबाग के लैंडलाइन पर। हाँ शानबाग। सर, वैदेही के अतीत की एक डिटेल मिली है वर्षा नाम की औरत से। यह वर्षा वैदेही की दोस्त थी जब वैदेही यहां मडगांव में रहती थी। वर्षा ने हमें बताया कि वैदेही की दोनों शादियां क्यों टूटी। नहीं नहीं साहब, वैदेही ऐसी औरत है ही नहीं। वैदेही कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वैदेही से ज्यादा बच्चों को कोई प्यार कर ही नहीं सकता। लेकिन उसकी बदकिस्मती है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। क्या वैदेही की दोनों शादियां टूटने की यही वजह थी? जी हाँ, कृष्णा नाम था वैदेही के पहले पति का और दूसरे का सुभाष। कुछ इलाज विलाज करवा रही थी वैदेही? IVF के बारे में कभी कुछ बोली थी? दवा दुआ सब कर चुकी थी, पर बस नसीब में लिखा था। अंदर ही अंदर एकदम टूट चुकी थी वैदेही, और ऊपर से उसकी दो दो शादियां भी टूटी। वैदेही काम क्या करती थी यहाँ मड़गांव में? यहाँ एक बच्चों की बालवाड़ी में आया थी, पूरा दिन बच्चों के बीच में ही गुजारती थी। इस वर्षा की मदद से मैं मड़गांव के हर फर्टिलिटी क्लिनिक्स और गायनेकोलॉजिस्ट से मिला। वैदेही उनमें से कईयों को कंसल्ट कर चुकी थी अपने खुद के बच्चे के लिए, पर उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो कंसीव ही नहीं कर सकती है। तभी यहाँ के IVF डोनर लिस्ट में वैदेही का नाम नहीं है, जबकि दूसरी औरतों को वहां एग डोनेशन के लिए भेजती थी। फिर वैदेही गायब क्यों हो गई या फरार क्यों हो गई? अभी हम सारी कड़ियां जोड़ते हुए वैदेही की तरफ बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो फरार हो गई। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वैदेही जेन्युइनली गीता की हेल्प कर रही हो और हमारी क्वेश्चनिंग से परेशान होकर कहीं भाग गई हो डिप्रेशन में। वैसे देखा जाए तो एक विशाल को छोड़कर हमने जिससे भी वैदेही के बारे में बात की है सबने उसके बारे में अच्छा ही बोला है। तो क्या ये दीपाली गौड़े सोलो खेल रही है या फिर ये किसी गैंग का हिस्सा है? ये सारा किया करा है दीपाली गौड़े का, हो सकता है। लेकिन कड़ियां आपस में जुड़ नहीं रही है, कितने बिखरी। हर कड़ी पर कड़ी नजर रखी गई, फिर भी कोई ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा था। विशाल की सर्विलेंस से हमें बस उसकी टूटी बिखरी जिंदगी नजर आई, जहां वो इस सवाल के जवाब के लिए तरस रहा था कि आखिरकार उसकी बीवी और बच्चे के साथ क्या हुआ। वैदेही की खोज भी डेड एंड पर आकर रुकी। पता ही नहीं चल रहा था कि वैदेही क्यों और कहां चली गई थी। वैदेही के कॉल रिकॉर्ड से भी वैदेही और दीपाली गावड़े का कनेक्शन ढूंढना व्यर्थ साबित हुआ। पर यह केस हमेशा के लिए एक राज बनकर तो खत्म नहीं हो सकता था। आखिरकार दीपाली गावड़े की लगातार चल रही खोज खत्म हुई।
हमारी मेहनत रंग लाएगी। क्या है ये बच्चा? कहाँ है दीपाली गावड़े? मेरे को क्या मालूम? हाँ वो हमारी हिरासत में, लेकिन फिलहाल वो मुंह नहीं खोल रही। मेरा सोनू था उसके पास साहब। क्या किया उसने मेरे बच्चे के साथ? पूछिए साहब उससे। आखिरी बार पूछ रहा हूँ दीपाली, ये बच्चा सोनू का है? कितनी बार बोलू साहब, ट्रेन में लेके गई थी फिर छोड़ दिया मैंने उसको। क्या दिमाग खा रहे हो आप लोग? छोड़िए सर, कूटती हूँ इसको। जब तक ये सब कुछ सच सच नहीं बोल देती एक घूंट पानी नहीं, चाहे कितना भी चल रहा है। चलो उठ उठ। हाँ सर सर सर, रुको रुको रुको। मैंने बच्चा चुराया था फिर बेच दिया। कहाँ से चुराया था, किसे बेचा? नंदगढ़ में बेचा। किसे बेचा? और गीता कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम गीता कहाँ है। देख दीपाली, जल्दी बोलेगी तो कम पिटेगी। उधर बच्चे का बाप परेशान है अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर, और हमारे बीच सब्र का बांध टूट रहा है। बोल दे सब कुछ, कौन कौन है तेरे ग्रो में, सरदार कौन है ग्रो का, एक बता दे दीपाली, नहीं तो सबके हिस्से की सजा तुझे अकेले को मिलेगी, सोच ले। मैं बच्चे को नंदगढ़ लेके गई थी फिर वहां से वो बच्चे को लेके गई। कौन वो? ताई। कौन ताई? कौन ताई? वैदे ताई, वैदे ताई। तू और वैदेही एक दूसरे को जानते हैं? ओ। नंदगढ़ में वैदेही ने बच्चा कब लिया तेरे से? तारीख बोल। तारीख तारीख 25 थी क्या? 26 बोले। हाँ 27 अगस्त थी। 27 अगस्त को नंदगढ़ से वो वैदेही ताई बच्चा लेके गई। सोनू तो उसके भी घर आती क्या? ये रहा। ठीक से खिलाती पिलाती हो ना टाइम पे? जो जो आपने लिख के दिया ना सब कुछ खिलाया है, चेक कर लो एकदम टक्का टक्के है। ये लो, तू निकल। इसी बच्चे सोनू को क्यों निशाना बनाया गया? ये साजिश इस बच्चे के पैदा होने से पहले ही रची गई थी ना? वो सब मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, मेरे को तो वैदेही ने पैसा दिया था और वो पेट का अंडा बेचने का रास्ता बताया था, तो मैंने उनकी थोड़ी सी मदद कर दी। सोनू की माँ गीता कहाँ है इस वक्त? मेरे को वैदेही ताई ने जैसा जैसा बोला ना मैंने वैसे वैसे ही किया। हाँ बोलो। मैं दीपाली, वो वैदेही ताई ने भेजा है मुझे। अच्छा, वो बोली कि पोलियो की दवाई पिलानी है सोनू बाबा को, इसलिए आपको सेंटर बुलाया है। लेकिन मैं अभी कैसे आ सकती हूँ? मेरी सासू माँ भी ना बाजार गई है, तो मैं अकेली हूँ घर में। पर अभी आप कैसे भी ना अभी के अभी चलो, उधर ना बहुत लंबी कतार है, वैदेही ताई ने आपकी जगह पकड़ के रखी है, ऊपर से वो सरकारी भत्ता, उसमें भी तो आपका नाम लिखवाना है। वो सब ठीक है लेकिन मेरी सासू माँ बाजार गई, उनको आ जाने दो। गीता दीदी चलो ना, वैदेही ताई बुरा मान जाएंगी। वैदेही वहीं कहीं बाहर इंतजार कर रही थी, ये सब कुछ पहले से तय था ना? लेकिन सर वैदेही मैटरनिटी होम में ही थी जब करीब सुबह 11:30 बजे गीता बच्चे को लेकर अपने घर से निकली। मैंने स्टाफ से क्रॉस चेक भी किया था। वैदेही ताई इधर इंतजार नहीं कर रही थी, उन्होंने मुझे भेजा था सोनू और गीता को लाने के लिए। तुझे कैसे पता चला गीता घर पर अकेली है? वो कुछ दिनों से मैं उनके घर के बाहर नजर रख रही थी, तो उस दिन मौका मिला था तो पहले उनके ससुर घर से बाहर गए, फिर उनके पति, फिर जब सास बाहर गई ना तो मैंने जाके दरवाजा खटखटा दिया। भत्ते का फॉर्म भरने के बहाने तो कहाँ लेकर गई गीता और उसके बेटे सोनू को? तूने नाम क्या बताया तेरा? दीपाली। दीपाली और कितना दूर है? बस 5 मिनट दीदी, उधर जाएंगे फार्म भरेंगे, 2 मिनट लगेगा, फिर उधर से 10 मिनट के तो दूरी पे ही अपना सेंटर, फिर पिला देंगे बाबा को 2 बूंद, फिर डायरेक्ट घर पे। दीदी
कविता हेगड़े, वैदेही की पड़ोसन। वो बस्ती के आखिर में एक खाली घर है, वो उस कविता का ही है। वैदेही ताई ने मुझे बोला था कि सोनू और गीता को वहीं लेके जाना। वैदेही भी थी वहां पर? नहीं। गीता कहाँ है इस वक्त? बोल! वैदेही ताई शाम को आई अपना दवा खाने का सारा काम निपटा के। गीता और विशाल की फैमिली गीता और उसके बच्चे को पागलों की तरह ढूंढ रही थी, और ये वैदेही को अच्छे से मालूम था। मालूम था कि नहीं? किसको क्या मालूम, नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम। मैं तो पूरा वक्त वो कविता के घर में ही थी। गीता सोनू को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपनी माँ को बोली कि पोलियो को दवा पिलाने जा रही है। लेकिन आज तो गुरुवार है और पोलियो के कैंप्स गुरुवार को नहीं लगते, सिर्फ रविवार को लगते। एक बार से बेहोश नहीं हुई, दो दो बार करना पड़ा, फिर अब सो रही है। ये उठनी नहीं चाहिए, अगर ये उठ गई ना तो तबाही मच जाएगी। कौन है? मुझे नहीं पता वैदेही जी, मैंने किसी को भी नहीं बताया कि हम सब यहां पर हैं। वैदेही जी, आप यहाँ कविता के घर में क्या कर रही हो? मैं वो कुछ पता चला, विशाल मौर्य और बस्ती के सभी लोग उसकी पत्नी गीता को ढूंढ रहे हैं। गीता और उसका बच्चा सोनू दोनों गायब हैं। हाँ, कविता कहाँ है? कविता, कविता, अरे कविता क्यों लेटी? अरे अरे ये तो गीता है। अरे ये सोनू, सब गांव वाले इसे ढूंढ रहे हैं। जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन अब इसके आगे जो होना है उसके लिए आप दोनों को हमारा साथ देना होगा। साथ देना है मतलब? हमें गीता को मार डालना है। क्या? नहीं नहीं, मना करोगे तब भी करना है। अब बस यही एक रास्ता बचा हुआ है हमारे पास। अब शामिल हो चुके हो तो पूरी तरह शामिल हो जा, किसी से कुछ मत कहना, वरना तुम लोगों ने गीता को उसी दिन मार दिया था। हम लोगों ने नहीं साहब, वो सिर्फ वैदेही ताई ने गला दबा के मारा उसे। अगर ये होश में आ गई तो हंगामा मचा देगी, फड़फड़ाए तो कविता इसके इसके पैर कस के बांध लेना और तुम इसके हाथ पकड़ लेना। मैडम, मैं और मेरा बेटा वहां गीता को ढूंढते ढूंढते गए थे, हमें बेकार में इसमें फंसाया गया। मैडम, गीता को धोखे से घर से ले जाकर उसी दिन उसका कत्ल कर दिया गया था। उस रात को उसी घर के पिछवाड़े में गीता की लाश को दफन कर दिया गया था।
क्या बात करूं साहब आपसे, पहले दिन से बोल बोल के थक गया कि वो कमीनी वैद्य शामिल है इन सब में। सरासर झूठ बोल रही थी मेरी गीता से वो, लेकिन आप लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ, मार दिया ना सबने मिलके मेरी गीता को। मैं बुलवाऊंगा उनसे, मेरा सोनू कहा। शांत हो जाओ विशाल, शांत हो जाओ। हम मानते हैं हमें वैदेही तक बहुत पहले ही पहुंच जाना चाहिए, पर हम उस तक बहुत जल्द पहुंचेंगे। उसके सारे साथीदार अंदर, और तुम्हारा बेटा सोनू जहां कहीं भी है हम उस तक पहुंचेंगे, उसको जल्द से जल्द वापस लेकर आएंगे। मेरा सोनू मुझे जिंदा वापस चाहिए, सही सलामत। आज जोड़ तो मैं आपके, ढूंढ लीजिए मेरे सोनू को, इससे पहले वो लोग मेरी गीता की तरह मेरे सोनू के साथ में कुछ कर दे। उसको ढूंढ लीजिए साहब। जो जो सच है एक एक करके बोलना शुरू कर दो, या फिर हम हमारा तरीका अपनाएं सच निकलवाने का। क्यों दीपाली, और चाहिए खुराक? मेरे को जो जो मालूम था मैंने सब कुछ तो बोल दिया। अभी वैदा ही ताई कहाँ है और वो सोनू का उससे क्या लेना देना था, हम लोग को कुछ नहीं मालूम। मेरे को तो और कुछ नहीं मालूम। सब मैं और मेरा नकुल तो पहले ही सब कुछ बोल चुके हैं सब। हम दोनों को तो धमका कर इसमें शामिल किया गया सब। हम लोग तो बस सब गीता मौर्य और उसके बच्चे सोनू को ढूंढने गए थे साहब। कविता हेगड़े, अब तुम्हारा क्या बहाना है? तुम तो वहां अचानक नहीं पहुंची ना, तुम्हारा ही घर है जो तुमने एक कत्ल के लिए सौंपा था वैदेही को। वैदेही जी के बड़े उपकार थे मुझ पे साहब, उन्होंने हमें सेंटर के बारे में बताया और पैसे भी दिलवाए थे। पैसों के लिए तुमने एक जिंदगी खत्म कर दी, एक छोटे से बच्चे से उसकी माँ छीन ली, एक पति से उसकी पत्नी छीन ली। वैदेही कहाँ है? गीता और उसके बच्चे सोनू को ही क्यों निशाना बनाया वैदेही ने? क्यों मार डाला गीता को? कसम से साहब हमें से किसी को कुछ नहीं मालूम। हाँ, वो हमें कुछ भी नहीं बताती थी। सर ये बड़ी मोटी चमड़ी के लोग हैं, पिटाई खा के ही मुंह खोलेंगे। नहीं साहब, साहब वैदेही ताई ने सब क्यों किया हमें नहीं मालूम साहब। मुझे बस इतना पता है साहब कि वैदेही ताई को हर महीने एक आदमी पैसे भेजता है साहब। वैदेही ताई मुझे ही भेजती थी साहब पैसे लेने के लिए। कौन है वो आदमी? एक टैक्सी ड्राइवर है साहब, जयंत चौहान। ये ले रख। बिना चुके हर महीने पैसे आते और बिना चुके हर महीने वैदेही ताई मुझे बख्शीश देती। हर महीने की पहली तारीख को उसी जगह पर दोपहर के 3 बजे जयंत चौहान मुझसे मिलता और पैसे देता। जयंत चौहान नाम, टैक्सी ड्राइवर, शंकर चौक को इस लड़के नकुल को पैसे देता था वैदेही को देने के लिए। नाम मालूम है, टैक्सी ड्राइवर है ये भी मालूम है, तब तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये क्या बच्चा खरीदने के लिए पैसे दे रहा था? वैदेही का कोई धंधा बंदा है बच्चों का? वैदेही बच्चों बच्चों का धंधा ऐसा तो कुछ नहीं करती है साहब। तो फिर क्या करती है? आरती उतार कर पूजा करती है? तुम सबके सब अभी भी उसकी हिमायत करने पर तुले हुए। तुम लोगों की शक्लों से लग रहा है कि तुम लोगों पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम लोगों ने मिलकर गीता को मार डाला और उसे गाड़ भी दिया। रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है तुम लोगों पर कि सोनू के साथ क्या होने वाला है। और गरीबी की बात तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम जैसे लाखों करोड़ों गरीब भूखे पेट सोते हैं लेकिन कभी भी अपनी इंसानियत नहीं बेचते। मानसी, जब तक हम सोनू को सही सलामत उसके पिता विशाल के हाथों में नहीं सौंपते थे, इस लॉकअप में भी हाथ रोकने नहीं चाहिए। तुम फल खाना कैसे भूल सकती हो गीता? चार्ट में लिखा हुआ है ना, ये हमारे बच्चे के लिए, मैंने खुद बुना है। अच्छा, दिखा जरा हमको। और ये कुछ मेवे, गीता को रोज 2 बार खिलाने, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी, हमें हमारे बच्चे का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखना। वैदेही जी, क्या? अरे माफ कर दीजिए, पहली बार हुई है, दोबारा नहीं होगी। तुमने गीता के सामने बीड़ी पी कैसे? ये बीड़ी तुम्हारे लिए खतरा है सो है, वो हमारे बच्चे के लिए खतरा साबित हो सकती है। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुनिया का सबसे तंदुरुस्त बच्चा हो। ये हमारे बच्चे के लिए, वो हमारे बच्चे के लिए खतरा साबित हो सकती है कि हमारा बच्चा दुनिया का सबसे तंदुरुस्त बच्चा हो। मां मुझे अच्छे से याद है, गीता ने खुद मुझे बोला था वैदेही आंगनवाड़ी सेविका। हाँ हाँ बेटा, मुझे भी याद है। आप पुलिस बोल रही थी कि वैद्य ने चुन के हम मुझे और गीता को अपना निशाना बनाया है। जब भी गीता पेट से थी ना, तब से वो सोनू को हमारा बच्चा बोलती थी। माँ क्या वाकई में वैद्य मेरे सोनू को अपना खुद का बच्चा मानती थी, इसलिए उसको उठा ले गई? तुम दोनों के बच्चे को अपना बच्चा कैसे समझ सकती है वो? तब मैं जयंत चौहान के घर के बाहर हूँ, लेकिन यहाँ पे तो ताला लगा है। तो पड़ोसियों से पूछना। पूछ लिया सब। जब से ये जयंत की बीवी अनीता अपने दोनों बेटियां पूजा और साक्षी को लेकर मायके गई है,
तब से जयन भी अपना घर को ताला लगा कर कहीं चला गया। जयन तो उसकी बीवी अनीता, दोनों के फोन नंबर चाहिए मुझे और अनीता के मायके का एड्रेस भी। 444-567-891 नाम है जयंत चौहान, मुझे इसके पिछले एक साल के पूरे फोन रिकॉर्ड्स चाहिए और ये समझ के चलना कि कल ही चाहिए थे, आप लोग ऑलरेडी 24 घंटे लेट हैं। पर जयंत की पत्नी अनीता के फोन पर रिंग जा रही है। हेलो, कौन? अनीता चौहान। हाँ, बेलगाम पुलिस से सब इंस्पेक्टर मिलिंद राव बोल रहा हूँ, आपका पति जयंत चौहान कहाँ है? वो तो बेलगाम में ही होने चाहिए। क्या बात है साहब, उसने अपना फोन क्यों बंद रखा है? फोन बंद कहाँ है साहब, मेरी कल रात ही बात हुई है उनसे। 8 दिन पहले आप अपने बच्चों को लेकर अपने मायके बाजा गाँव ले गए, तब से आपके घर पे ताला लगा हुआ है। जयंत दिन में टैक्सी चलाते हैं इसीलिए ताला लगा होगा, रात में वो घर पर ही होते हैं। आपसे आमने सामने बात करनी, बेलगाम कब तक पहुँच सकते हैं जल्द से जल्द? लेकिन क्यों, हुआ क्या है साहब, क्या किया है जयंत ने? आप वैदेह घर पड़े को जानती हैं? नहीं। कमाल है, हर महीने आपका पति वैदेह को पैसे भेजता है और आपको ये नहीं पता कि वैदेह कौन है। पैसे भेजते थे? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है साहब। सर, दो बेटियां हैं अनीता और जयंत की। बेटियां? शायद जयंत को बेटा चाहिए होगा, वो बच्चा खरीदना चाहता होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बात का पत्नी को पता ना हो? सर, अनीता तुरंत निकल रही है बाजा गोली से, वहां की एक टीम को बोलती है इसको एस्कॉर्ट करने की। जयंत के फोन रिकॉर्ड शाम के पहले हमारी टेबल पर होंगे। ये कैसे मुमकिन है कि वैदेही के फोन रिकॉर्ड्स में जयंत चौहान का नंबर फीचर नहीं हुआ? वैदेही के पिछले 6 महीने के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए पर उसमें जयंत का नंबर नहीं फीचर होता, जबकि जयंत वैदेही को लगातार पैसे भेजता रहा है। इस लेट एंटर हुए जयंत के करेक्टर ने वैदेही के करेक्टर को और रहस्यमय बना दिया है। सर, लालू ने जयंत के घर पर बराबर नजर रखी हुई, एक बार ये जयंत हाथ लग जाए तो वैदेही से जुड़े सारे रहस्य खुल जाएंगे। वैदेही का करेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स है, इसका 2-2 बार तलाक हुआ, इसलिए कि ये कभी मां नहीं बन सकती, फिर भी इसने हमेशा अपने आप को बच्चों से घिरे हुए रखा, अपने आप को बच्चों के काम में काफी एक्सपर्ट बना दिया। इसने गीता को बहुत सोच समझकर अपना टारगेट बनाया होगा, इसीलिए इसने झूठ कहा कि एक आंगनवाड़ी सेविका है ताकि इसकी आइडेंटिटी छुपी रहे। लेकिन सवाल यह है कि यह सब करके इसे हासिल क्या होने वाला था? हाँ लालू बोल। सब 10 मिनट हुए, ये जयंत घर लौटा है, उसने अपना फोन भी चालू कर दिया, मैंने ब्लैंक कॉल दिया था। हेलो अनीता। जयंत कहाँ थे तुम? मैं कहाँ था मतलब, मैं काम पे था, अभी घर पे हूँ। बिल्कुल झूठ, पिछले 8 दिन से तुम बेलगाम में तो नहीं हो, जयंत कहाँ गए थे? और ये वैदेही कौन है? जयंत पूछ रही हूँ, वैदेही कौन है जिसको तुम हर महीने पैसे भेजते हो? तुम्हें ये सब किसने बताया? पुलिस ढूंढ रही है तुम्हें। जयंत चौहान वैदेही कहाँ है और वो बच्चा कहाँ है? आप लोग मेरे बच्चे के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? तुम्हारा बच्चा? हाँ मेरा बच्चा, पर आप लोग मेरी निजी जिंदगी में क्यों दखल दे रहे हैं? अरे ये बच्चा मेरा है, पर मुझे नहीं मालूम कि ये औरत कौन है। कौन है ये औरत? गीता मौर्य, इस बच्चे सोनू की माँ, कत्ल कर दिया गया है इसका। क्या बकवास कर रहे हैं साहब, ये मेरा बच्चा है। वैदेही से तूने बच्चा खरीद लिया तो ये बच्चा तेरा हो गया। वैदेही कहाँ है इस वक्त, गिरोह में और कितने लोग हैं? क्या गिरोह गिरोह बोल रहे हैं साहब, ये मेरा और वैदेही का बच्चा है। तू पति है वैदेही का? जी नहीं, प्रेमी हूं, और ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, इसीलिए इसके आते ही मैंने अपनी बीवी और बच्चियों को मायके भेज दिया था ताकि वैदेही के साथ नई गृहस्थी बसा सकूं। एक जवान औरत की जिंदगी मिटाकर उससे उसका बच्चा छीनकर तू अपनी गृहस्थी बसाने चला है? ये सब क्या बोल रहे हैं साहब? सच बोलना जयंत, गीता मौर्य के कत्ल में तेरा क्या हाथ है? साहब मैं किसी गीता बीता को नहीं जानता साहब, साहब मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वैदेही मेरा प्यार है और ये बच्चा हम दोनों का है साहब। और साहब ये कोई सोनू नहीं है साहब, इसका नाम कार्तिक है, कार्तिक जैन चौहान। हमारा घर जवली गांव में है, उडीपी के पास, और वैदेही अभी भी वहीं है, पर साहब ये मेरा बच्चा, मेरा अपना खून, वैदेही ने जन्म दिया इसे। वैदेही कब थी पेट से और कहां जन्म उसने इस बच्चे को? 21 जुलाई को कार्तिक इस दुनिया में आया और वहीं उसी क्लिनिक में जहां पर वैदेही काम करती है। सुना तुमने, तुमने हमारे बच्चे की किलकारी सुनी? हाँ वैदेही। तुम हमारे बच्चे को देखने आओगे ना का? अरे वैदेही मैं मरा जा रहा हूँ,
तुम्हें और बच्चे दोनों को गले लगाने के लिए, लेकिन थोड़ा वक्त दो ना, एक बार अनीता और बच्चियों को मायके छोड़ देता हूँ। तुमने एक बार ही देखना चाहिए हमारे बच्चे को, बहुत ही प्यारा है, मेरी तो नजर नहीं हट रही है। मैं तुम्हें फोटो भेजू? हाँ भेजो ना। कार्तिक नाम ठीक रहेगा ना? कार्तिक जयंत चौहान। ये फोटो भेजा था वैदेही ने डिलीवरी के बाद। 21 जुलाई को वैदेही ने नहीं, गीता मौर्या ने इस बच्चे को जन्म दिया था, और इस बच्चे का नाम कार्तिक नहीं सोनू है। साहब मैं मानता हूं कि मैंने अपनी बीबी के साथ धोखा किया है, लेकिन साहब पिछले कई महीनों से पागलों के जैसे डबल शिफ्ट में काम कर रहा हूं ताकि अपने दोनों परिवारों को अच्छे से पाल पोस सकूं। साहब ये सच है कि मैं वैदेही को पैसे भेजता था, लेकिन वो बच्चा खरीदने के लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे को अच्छे से पाल पोस सके इसलिए। साहब मैं सच कह रहा हूं साहब, वैदेही पेट से थी। क्या 2 महीने हो गए? हाँ। लेकिन मैंने हमने हमेशा सावधानी बरती थी। कोई भी सावधानी 100% नहीं होती जैन। एक काम करो, ये गिरा दो, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। बच्चा क्या? लेकिन लेकिन मुझे चाहिए। देखो मैंने इस रिश्ते की शुरुआत में तुमसे साफ साफ कहा था ना कि मैं अपने बीबी बच्चों को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं बसा सकता हूँ। अरे मैंने कोई सोच समझ के नहीं किया है, बस हो गया है। इसमें ना तुम्हारी गलती ना मेरी। लेकिन इस बच्चे को इस दुनिया में लाना ना सबसे बड़ी गलती होगी। तुम क्यों नहीं समझती हो कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा अपनी बेटियों को प्यार करता हूँ, बीबी और बेटियों को नहीं छोड़ सकता हूँ। पर हमारा रिश्ता इसलिए आगे बढ़ा कि हम लोगों ने तय किया था कि हमारे रिश्ते में कोई बंदिशें नहीं होंगी। मुझे मेरे पेट में पल रही इस जान के साथ रिश्ता बनाना है। रिश्ता तो बन चुका है जयंत, मुझे ये बच्चा चाहिए। ये ठीक नहीं है वैदेही। तुम्हें मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, मत रखो। मुझे बस यही देखना है कि क्या तुम सिर्फ अपनी बेटियों के पापा बने रहोगे, और इसके लिए कुछ नहीं। तुम ना ये मुझ पर लात रही हो, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। मैं वो कुछ नहीं जानती। मेरा बदन तुम्हें सिर्फ एक मजे का जरिया लगता है ना, लेकिन अब इस बदन को मां बनना है, इस दिल को दिमाग को मां बनना है, और मैं मां बन के रहूंगी, और तुम्हें हमारे बच्चे का बाप बनना पड़ेगा। सर मेरे लिए आसान नहीं था, मैं अपने दोनों बेटियों की कसम खाता हूँ साहब, मुझे वैदेही से ये बच्चा नहीं चाहिए था साहब। लेकिन साहब वो टस से मस नहीं हुई साहब, अपनी बात पर अड़ी रही, और अब साहब आप ये कह रहे हो कि ये कार्तिक किसी और का सोनू है। आप बोल रहे थे ना साहब कि वो पेट से कब थी। ये देखिए साहब उसका फोटो, ये भी देखिए साहब, वही है। ट्रिपल 4-8-1-0-8-2-1 हमारे पास वैदेही का ये नंबर है, तेरे पास भी यही है? जी नहीं सर, 4-7-6-3-8-9-2। जब वैदेही ने तेरे कार्तिक को जन्म दिया तब तू उसके साथ क्यों नहीं था? साहब वैदेही नहीं चाहती थी, दरअसल जैसे उसका 3rd महीना पूरा हुआ उसने बोला कि अब तभी मिलेंगे जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, अगर किसी ने देख वेख लिया खासकर अनीता ने तो बवाल होगा। मैंने भी बोल दिया कोई नहीं, क्योंकि मुझे भी अपनी बच्चियों की परवाह थी साहब, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाए। क्या वैदेही कभी पेट से थी ही नहीं? नहीं, और ये बात हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। क्या तुझे पता है वैदेही की 2 शादियां क्यों टूटी? शादियां वैदेही की मडगांव में, और दोनों शादियों में तलाक की वजह पता है क्या थी? वैदेही बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे ये सब पता ही नहीं था। वैदेही से तो कैसे मिला, जान पहचान कैसे हुई तेरी? 2-4 बार उसने मेरी टैक्सी ली थी अपने क्लिनिक जाने के लिए, वहीं से जान पहचान हुई और फिर प्यार। वैदेही के पड़ोसी गीता के मर्डर में शामिल थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी 13 नाम नहीं लिया, ऐसा कैसे? क्योंकि मैं कभी उसके घर गया ही नहीं, और जानबूझकर नहीं गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि 4 लोग हमारे रिश्ते के बारे में जाने। तो फिर तेरा रिश्ता फला फूला कैसे? हाईवे से लगकर वो 2-4 लॉज है ना वहाँ। ये सिर्फ मेरा बच्चा है, मेरा बेटा, ये मेरा कार्तिक है। ये वैदेही अब बस खेल खत्म,
दीपाली, शारदा, कविता और नकुल, ये सब हमारी हिरासत में है। और जयंत भी। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा, इस पे सिर्फ मेरा हक है। गलत, इस पर विशाल और गीता का हक था जो तुमने छीन लिया और गीता से उसकी जिंदगी छीन ली। पहले चुपचाप ये बच्चा हमारे हवाले कर दो, इस बच्चे को कुछ करने की सोचना भी मत, बच्चा ले लो। क्यों विदय, तुमने गीता को ही अपना शिकार क्यों बनाया और कैसे? म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में देखा था मैंने गीता को, पीछा किया उसका, सब्जी मंडी में टकरा गई उससे, दोस्ती की। मैं खुद कभी गर्भवती नहीं बन सकती, लेकिन मैं दूसरों औरतों का सिर्फ चेहरा देखकर ये बता सकती हूँ कि वो पेट से है कि नहीं। मैं एक नज़र में पहचान गई थी कि गीता पेट से है और उसका तीसरा महीना चल रहा है। और ये तुम्हारी झूठी गर्भावस्था की प्लानिंग के लिए बिल्कुल ठीक था, ताकि तुम गीता का बच्चा चुरा कर जयंत को उल्लू बना सको, उसे धोखा दे सको। मैं जयंत को खोना नहीं चाहती थी, मुझे भी अपनी जिंदगी चाहिए थी, एक सहारा चाहिए था, घर गृहस्थी चाहिए थी, और मैं कोई आसमान नहीं मांग रही थी। मैंने उस जिंदगी का हिस्सा तो नहीं मांगा ना जयंत, मैं ये तो नहीं कह रही हूं ना कि तुम अनीता को छोड़ दो, साक्षी और पूजा को छोड़ दो। हमने इस कमरे में आने से पहले ये तय किया था ना कि हमारा जो रिश्ता है इस चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित है, हम एक दूसरे की जिस्मानी जरूरतें पूरी करेंगे और बस वही करेंगे, और अगर इससे ज्यादा अगर तुम सोच रही हो तो मत सोचो, और अगर सोचना है तो दोबारा हम इस कमरे में नहीं मिलेंगे। तुम यही एक बात बार बार दोहराते हो जयंत, जिस्मानी, ये सिर्फ तुम्हारे जबान पे होता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार दिखता है जयंत। हम जब भी यहाँ पे आते, देखो मान जाओ ना, तुम्हारी आंखों में सपने, तुम्हें वही दिखता है जो तुम देखना चाहती हो। मैं तुमसे शादीवादी नहीं कर सकता हूँ, मेरा अपना एक परिवार है और वो वैसा ही रहेगा। अगर अनीता को हमारे बारे में भनक भी लग गई ना तो वो मेरी दोनों बेटियों को लेकर मायके चली जाएगी हमेशा के लिए, और वो मेरी मौत होगी। यार पूजा और साक्षी मेरी जिंदगी है। और मेरी जिंदगी का क्या, मैं खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकती? मेरे दोनों पतियों ने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे पाई, और ये जयंत मुझसे शादी नहीं कर रहा था क्योंकि वो अपनी बेटियों से प्यार करता था, किसी को मेरी पड़ी नहीं। प्यार करना तो दूर, इन तीनों मर्दों ने मेरे जिस्म का सिर्फ इस्तेमाल किया है। और उसी तरह तुमने गीता का इस्तेमाल किया। मुझे अपनी जिंदगी चाहिए थी, सबकी होती है, मुझे भी चाहिए थी। मैं हर दम बच्चों से घिरी रहती, वो मेरी खाली जिंदगी में थोड़ा रंग भर देते, पर काफी नहीं था मेरे लिए। मुझे वो चाहिए था जो कभी मेरा नहीं हो पाता, अपना खुद का परिवार। मुझे बच्चा चाहिए था, अपना, अपनी जिंदगी बनाने के लिए। मैंने गीता को पहली नजर में ही चुन लिया था, तय कर लिया था कि यही वो शरीर होगा जिससे मेरा अपना बच्चा जन्म लेगा। मैं जब भी उसकी कोख को छूती थी, लत अपने पेट में महसूस करती थी। मैं सिर्फ एक औरत का जिस्म बनकर उब गई थी। मुझे पत्नी बनना था, मां बनना था। जो गीता थी, विशाल की पत्नी, सोनू की मां, ये तुम्हारा भ्रम है कि सोनू तुम्हारा है? कोई भ्रम नहीं है, ये सच है। जब गीता प्रेग्नेंट हुई तो मैंने उसका पूरा साथ दिया, मैंने उसकी हर तकलीफ महसूस की और दूर भी की, मैंने उसकी ऐसी देखभाल की है जैसे मैं खुद की करती। और इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे गीता अपने बच्चे को संभालती, उससे कई गुना ज्यादा मैं संभालूंगी अपने बच्चे को। सोनू कभी कार्तिक नहीं बन सकता मेरे, और तुम कभी गीता नहीं बन सकती। और जो औरत एक बच्चा हासिल करने के लिए एक मां का कत्ल कर सकती है, वो क्या खाक कभी अच्छी मां बन सकेगी? क्या जयंत भी तुम्हारे बाकी साथीदारों की तरह इस जुर्म में शामिल था? जयंत को कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने ये जो भी किया उसी को पाने के लिए किया।
अनीता, अनीता, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, लेकिन अनीता, मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं था। मैं तुमसे और बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। नया जीवन फर्टिलिटी क्लिनिक एंड आईवीएफ सेंटर का वैदेही की इस भयंकर साजिश में कोई हाथ नहीं पाया गया। प्राकृतिक तौर पर मां ना बन पाना या पिता ना बन पाना यह कोई दोष नहीं है और ना ही कोई अपराध है, पर हां, समाज हमारा इस दर्द पर नमक जरूर मलता है। कभी आंख मिलाकर तो कभी तभी आवाज में समाज ताने मारता है, क्योंकि अक्सर समाज ना समझी में कठोर भी हो जाता है। पर इस किस्म के ताने होते ही हैं अनसुना करने के लिए। उन्हें दिल पर लेकर बिन बुलाए दर्द को न्योता देने का क्या मतलब है? इन हालातों में हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। रही बात बच्चे के सुख की, मेडिकल साइंस काफी तरक्की कर चुका है, साथ ही गोद लेने का विकल्प भी तो है, पर जुर्म कभी विकल्प नहीं हो सकता। बच्चा हासिल करने के लिए कोई भी गैर कानूनी तरीका कोई सुख नहीं देगा, और ऐसा बच्चा दुनिया के किसी भी रिश्ते को सही मायने में जोड़ नहीं पाएगा। जुर्म सिर्फ दर्द को जन्म देता है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।